नमस्कार किशन भाई, मैं हूं नीलेश पाटीदार। एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए ऑर्गेनिकों पर कुछ नया। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके जो दो सबसे बड़े कारण थे वो हमने समझे। पहला तो जैसा कि हम सभी जानते हैं मिट्टी पर हम फसल उगाते हैं इसलिए, और दूसरा कि वो बनने में 1000 साल लगते हैं एक इंच मिट्टी को बनने में। दोस्तों इसी कड़ी में आगे चलते हैं हम कि मिट्टी कैसे काम करती है। तो उसमें पहला हमारा जो भाग है वो है मिट्टी की संरचना, मिट्टी में कणांश छिद्र, उसमें स्थित वायु, जल, ऊष्मा और अकार्बनिक पदार्थ, कणों की माप। कणों को माप कर उनका वर्गीकरण किया गया। माप से मिट्टी के गुणों और उसकी उर्वरता का पता लगाया जा सकता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है, ठीक है दोस्तों। तो इसको तीन मुख्य भागों में बांटा गया है, ठीक है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। उसको कणों की जो साइज है उसके आधार पर बांटा गया है। अगर सैंड को देखेगा तो जो कि 2 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर तक होती है, माइन वालो 0.2 मिलीमीटर से लेकर 0.02 मिलीमीटर व्यास तक होती है। सिल्ट होती है 0.02 मिलीमीटर से 0.002 मिलीमीटर तक व्यास की होती है, और जो चिकनी मिट्टी होती है 0.002 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। ये जो संरचना में कण होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये बनाते हैं ओरिजिनल उस संरचना को जो हमारे खेती से सीधा संबंध रखती है। यहाँ पर दानेदार दी हुई है जिसमें एक एक दाना अलग अलग होता है, या कुछ पार्टिकल जुड़ के बाद दानेदार संरचना बनाते हैं जो कि उच्च पारगम्यता या हाइपरमेबिलिटी होती है, मतलब इसमें पानी आसानी से नीचे चला जाता है। उसके बाद होती है एकत्रित, मतलब ये पार्टिकल कुछ और जुड़ के थोड़े बड़े कण के रूप में दिखाई देते हैं और इसे उच्च पारगम्यता, इसमें भी पानी तेजी से बहता है। वहीं खंडी या मध्यम पारगम्यता, स्तंभीय प्रिज्मीय मध्यम पारगम्यता, पठारी या कम पारगम्यता, खंडाकार मतलब बहुत बड़े चिपक के बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स बना लेती हैं, ये कम पारगम्यता वाले थे। इसमें सबसे बेहतर जो है वो ऊपर के दानेदार और एकत्रित वाली को माना जाता है क्योंकि इनमें हवा होती है, इनमें पानी बराबर होता है, इनका वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है बजाय इनके, ठीक है। इन लास्ट के जो तीन हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता है, पानी की जो घुसपैठ है, जो इनफिल्ट्रेशन है वो कम होता है और किसान को जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है। तो इसमें होता यह है कि पानी जब भी आप दोगे और यहाँ पर जो पानी निकलेगा वो पहले ऊपर फैलेगा फिर धीरे धीरे बीच में से नीचे उतरेगा। वहीं पर अगर जो लोमी या दोमट मिट्टी होती है इसमें पहले पानी थोड़ा सा नीचे उतरता है, उसके बाद पानी फैलना शुरू कर देता है मटके के आकार में होता है। जबकि जो सैंडी सोइल है, रेतीली सोइल, उसमें क्या होता है कि कणों की साइज बड़ी होती है, उसके बीच में गैप ज़्यादा होती हैं, उसकी वजह से वो जो भी पानी आप लगाते हो वो पानी सीधा सीधा नीचे उतरता है। इसीलिए सैंडी सोइल में क्या होता है कि आपको बार बार थोड़ा थोड़ा करके पानी उसको पिलाना पड़ता है। वहीं पर इस मिट्टी में और इस मिट्टी में लगभग आप एक साथ थोड़ा ज़्यादा पानी पिला भी दोगे तो वो मिट्टी में वो पानी सस्टेन करेगा और आपके पौधे को पानी लगातार मिलता है। इसीलिए कहते हैं इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है और इस सैंडी सोइल की जो होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ये इंपॉर्टेंस है हम किसानों के लिए। अब मिट्टी की संरचना में हम आगे चलेंगे तो कैल्शियम, मैग्नीशियम या कार्बनिक पदार्थ मृदा एकत्रीकरण को बढ़ाते हैं और मृदा की संरचना में सुधार करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मिट्टी में अत्यधिक सोडियम का स्तर मृदा कणों के फैलाव का कारण बनता है जिसके परिणामस्वरूप मृदा की संरचना खराब हो जाती है। तीसरा पॉइंट है वांछनीय मृदा संरचना के विकास से पोरोसिटी, मतलब मृदा में जो छिद्र होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, मृदा का जो कटाव है वो कम हो जाता है। वहीं जल धारण क्षमता और जड़ प्रवेश बढ़ जाता है और जुताई में आसानी होती है, ठीक है। अगर कणांतरित छिद्र की बात करते हैं, मिट्टी के कणों के बीच कुछ जगह छूटी होती हैं, उन जगहों को कणांतरित छिद्र कहते हैं। चिकनी मिट्टी में कणांतरित छिद्र जो होते हैं छोटे और ज़्यादा होते हैं, बलुई मिट्टी में कण छिद्र बड़े होते हैं, इसीलिए उसकी जल धारण क्षमता कम होती है। आप देख रहे होंगे कि ये जो कण हैं अगर ये इस तरह से जमे हुए होंगे तो उनके बीच जो स्पेस है ये स्पेस ये ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। वहीं पर अगर ये कण इस तरह से जमे हुए होंगे तो उनके बीच कणों की साइज बारीक होगी, छोटी होगी, जिससे पानी धीरे 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 करके नीचे उतर पानी जो है मिट्टी में टिका हुआ रहेगा। लेकिन बड़े छिद्र होने की वजह से पानी मिट्टी में टिका हुआ नहीं रह पाता है। तो ये देखिए यहाँ पर रेतीली मिट्टी, तो इसमें क्या होता है कणांतरित छिद्र जो होते हैं ज़्यादा बड़े होते हैं तो यहाँ पर वो पानी सीधा सीधा नीचे उतर जाता है। वहीं पर अगर बारीक मिट्टी की अगर बात करें तो उसकी संरचना ज़्यादा बेहतर होती है और इसीलिए आप जो भी पानी डालते हो पहले धीरे धीरे पूरा फैलता है, धीरे 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 नीचे उतरता है और बूंदों बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम मृदा की संरचना में सुधार कर लेते हैं तो हमारी जो मिट्टी है उसकी जल धारण क्षमता बढ़ेगी। मिट्टी में उपस्थित वायु, मिट्टी में कणांतरित छिद्र होते हैं हम देख ही चुके हैं, उन छिद्रों में जब जल नहीं रहता है तब वहाँ पर वायु रहती है। अब यह वायु मिट्टी में स्थित जल में इसके बूंदे बूंदे या इसकी जो बबल्स होते हैं वो होते हैं। इस वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती हैं
और ऑक्सीजन पौधों की जड़ों के लिए लाभदायक है। ये देखिए ऑक्सीजन जो होता है वो पौधों की जड़ों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। ये देखिए यहाँ पर ये जड़ पौधा है, इसकी जड़ का अगर हम छोटा सा भाग देखेंगे तो उसके ये जड़ का, इसे रूट हेयर बोलते हैं, जड़ तंतु, ठीक है। ये ब्लू ब्लू कलर का पूरा पानी है, ये मिट्टी के कण है और इस पानी के अंदर ये हवा है, मिट्टी में स्थित जल। तो किसान भाइयों, ये जो पहली स्थिति है इसमें देखिए कि बहुत ज़्यादा पानी की वजह से पौधा मुरझा जाता है और पानी बर्बाद हो जाता है। पौधा मुरझा रहा है, आप देख रहे हैं पीला पड़ रहा है और पानी बह के चला जाता है, ठीक है। और जो जड़ों का विकास है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो कम हुआ है, पौधा मुरझा रहा है। वही पर इस कंडीशन में आते हैं तो स्वस्थ पौधा है, लेकिन पानी की बर्बादी हो रही, तो पौधे की जड़ें अच्छी विकसित हो रही लेकिन पानी की बर्बादी हो रही, और इसे हम गुरुत्वाकर्षण जल कहते हैं, ठीक है। वहीं पर इस कंडीशन में देखिए तो स्वस्थ पौधा है, पानी की कोई बर्बादी नहीं है। यहाँ पर पानी में हवा की कमी होती है, एक्स्ट्रा पानी बह जाता है, जबकि यहाँ पर पानी में भरपूर हवा होती है। यहाँ पर पौधे की जो ग्रोथ है वो सबसे अच्छी है, जड़ों का विकास है वो भी सबसे ज़्यादा है। इसे हम खेत की क्षमता कहते हैं, जो कि उपलब्ध पानी, पर्याप्त पानी न मिलने के कारण पौधा मुरझा गया है। तो यहाँ पर जड़ों का विकास भी कम है और पर्याप्त पानी न होने की वजह से पौधा मुरझा रहा है, ठीक है। तो पौधों की अधिकतम वृद्धि के लिए इस सीमा में पानी बनाए रखें, तो यहाँ पर इसे सबसे बेस्ट कहा गया है। ये कंडीशन हमें मिलती है ड्रिप और फुहारा पद्धति में। किसान भाइयों, यही कारण है कि ड्रिप और फुहारा पद्धति में कम पानी लगा कर भी हम लोग ज़्यादा पैदावार ले पाते हैं। किसान भाइयों, यहाँ हम देख रहे हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो बीजों का जर्मिनेशन है, जो अंकुरण है, वो यहाँ पर हम देखते हैं 7वें दिन में 80% क्रॉस कर गया है और 15वें दिन तक लगभग लगभग 95 से 100% पहुँच गया है। लेकिन वहीं पर अगर मैं 3 डिग्री पर बीज को ट्रीटमेंट दिया हुआ है या इसका सोइल का यूज़ मान लीजिए, तापमान अगर कम है, तो 7वें दिन पर वो सिर्फ 40-30% के लगभग रहेगा और 15वें दिन तक जाते जाते वो लगभग 80% पहुँचेगा। मतलब जो ज़मीन की जो ऊष्मा है उसका अंकुरण पर सीधा असर पड़ता है। जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ पर जड़ें सबसे ज़्यादा विकसित होती हैं, क्योंकि यहाँ पर पोषक तत्व कम अवेलेबल हो पाते हैं कम तापमान पर मिट्टी के घोल में, इसलिए जड़ों को ज़्यादा विकसित होना पड़ता है। लेकिन पौधे का विकास हमें कम दिखाई दे रहा है बजाय 25 और 30 डिग्री के। वहीं पर 25 और 30 डिग्री में ये है कि जड़ों का विकास कम है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, इन कम जड़ों से ही ये भरपूर मात्रा में पोषक तत्व उठा के पौधे को दे सकते हैं, इसलिए पौधा अच्छा ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिट्टी का तापमान 25 से 30 रहेगा तो हमारे पौधों की ज़्यादातर जो ऊर्जा है वो जड़ों में ना लगा कर वो ऊपर फल में लगाएगा, जिससे कि हमें इकोनॉमिकल फ़ायदा होगा। के लिए तो मिट्टी में स्थित अकार्बनिक पदार्थ, अधिक मात्रा में रहने वाले पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ये 6 पोषक तत्व जो होते हैं ये मिट्टी में ज़्यादातर मात्रा में रहने वाले तत्व। वहीं न्यून मात्रा में रहने वाले तत्व की बात करें, कम मात्रा में रहने वाले बात करें, तो लोहा, गंधक, सिलिका, क्लोरीन, मैग्नीज, जस्ता, जिंक, निकिल, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ताम्र मतलब कॉपर, बोरॉन और सिलेनियम। चलिए तो ये हमने सीखा पहला कि मिट्टी की संरचना को बनाए रखने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और जैविक पदार्थ डालना चाहिए। दूसरा, सिंचाई खेत की जल धारण क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। सिंचाई के लिए ज़्यादातर फुहारा या ड्रिप विधियों का ही उपयोग करना चाहिए।